सो हेलो गाइस, फॉर टेकिंग बस 98 के कोने वीडियो में स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेपल के बारे में। सो पेपल आपको पता है ना, भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ना भाई पेपल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ना पे और कोई मैथड नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग नंबर ये है पेपल। ये सो आज की वीडियो में पेपल के बारे में बात करने वाला कि पेपल के क्या आप ना भाई मनी को जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है रिसीव कर सकते हो क्या नहीं। सो इस बारे के ऊपर आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिलता है, कोई बंदा बोलता है कि कर सकते हो, कोई बोलता है नहीं कर सकते हो, पर किसी ने मेरे अपना प्रूफ तो नहीं दिया। बाकी मैंने इतने ना सारी वीडियोस नहीं देखी है, मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा कि काफ़ी लोगों को भाई पता रह जाए कि ना पे आप जो है रिसीव कर सकते हो। उसे अपना प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने पे ट्रांजेक्शन करके रिसीव करा है। सो ना पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ना पे अपने अकाउंट को डाल के ना मैं लॉगिन जो है कर लेता हूँ। सो पेपल के आज का मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखोगे जीरो, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने पेमेंट रिसीव करा वो मेरे बैंक में आ चुका है। और बैंक भी कौन सा है, पेटीएम मेरे बैंक में आया, उसका प्रूफ दिखाऊंगा भी मैं आपको, ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा नीचे चलता हूँ। सो ना पहले मैंने कुछ ना पे 7 USD का ना दिखा है पेमेंट जो कि एक बंदे से जो कि रिसीव किया ना, जो कि ना पे मुझे मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव हो चुका है। वो भी कहूँ कि ना भाई मेरा कितना ना पे फी करा, क्या ट्रांजेक्शन फी वगैरह लिखते हैं। सो आप वीडियो को एंटर देखते हो, जैसे मैं ना पे उस लिंक पर क्लिक करा, सो ना पे डिटेल्स जो कि उस लिंक की जो कि ओपन हो गया है। सो इसी ना मैंने ट्रांजेक्शन आईडी हो गया, अमाउंट लिखा था मतलब कि $7 का ना मैंने कुछ रिसीव करा। और अगर मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ, सो ना पे फी देख सकता हूँ मतलब कि 1 USD के करीब कुछ मैंने ना पे फी भी जो कि है कटी है। बाकी जो मेरे को ना पे पेमेंट जो कि रिसीव हुआ है बैंक में, उसमें भी ना पे कुछ फी जो है कटी होगी, जो कि USD to INR में जो कि भेजते हैं। सो उसमें ना पे कुछ फी होती है, वो बोलते यार पेपल वालों को है, मतलब कि पेपल में बस यही प्रॉब्लम कि ना पे आपकी फी कट जाती है। सो देख सर मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो कि $7 के पेमेंट पर ना पे इतनी फी कटी है। सब अपने पेमेंट के हिसाब से नज़र लगा लीजिएगा आपकी ना पे कितनी जो कि है कट सकती है। सो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ना पे कॉपी करता है, देखते हैं भाई INR में ना पे कितना होता है। सो चलते हैं सीधा ना पे गूगल पे, तो गूगल पे जाके मैं आपको बता रहा कि ना पे INR में कितना होता है। सो ना भाई देख सकते हैं मतलब कि 456 रुपीज़ के अराउंड मेरे यहाँ पे कुछ बन रहा है, पर हमें थोड़ा बहुत और ना मैं जो कि फी जो कि मेरा कट है, मतलब कि मेरे को इतनी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो आपको मैं अभी दिखा दूँगा। क्योंकि ना पे कुछ USD मेरा मतलब कि बंदे ना पे USD में पेमेंट करते हैं, ये INR में उसे कन्वर्ट करता है, तो थोड़ा बहुत ना पे फी जो है काटे। सो फी का मैं आपको पूरी डिटेल जो है ना पे दिखा रहा हूँ कि आपको ना पे कितना जो फी कट सकता है अगर ना पे पेमेंट रिसीव करते हो। वही ने मैंने आपको बता दें कि ना पे पेमेंट आप पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव कर सकते हो। बाकी आपको लास्ट में ना पे प्रूफ भी दिखाऊंगा। सो प्रूफ की तरफ जो है बढ़ते हैं, पर उससे पहले ना पे कुछ और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लो कि आपको इस चैनल पर ऐसी जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियो और टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो जो है मिलती रहती है। सो ना पे मैं नीचे आया हूँ, नीचे आने वाला आप देख सकते हैं भाई एक बार जो कि मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पे वापस मेरे जो कि फंड आया, मतलब कि एक बार ना भाई इन्होंने ऑटोमेटिक ना पे जो है मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर देना। पर जो मैंने पहले बैंक अकाउंट जो कि है डाला था उसका जो कि मैंने अकाउंट नंबर गलत आ रहा, उस अकाउंट नंबर से कोई भी ना भाई अकाउंट जो कि मतलब कि नहीं था। सो क्या हुआ, जो उन्होंने पेमेंट जो कि सेंड किया वापस मेरे अकाउंट में आया, और जो मैंने ना भाई न्यू अपडेटेड अकाउंट डाला, सो उसमें मैं ना भाई जो कि पेमेंट जो कि मुझसे रिसीव हो गया, जो कि मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक को जो कि ना भाई लिंक करा था। सो ना पे देख सकते हो। सो हम चलते हैं सीधा इधर वापस, मैं आपको ना भाई पेटीएम जो कि ओपन करके जो कि ना भाई दिखा देता हूँ। सो इससे आपको ये भी पता लग गया, अगर बाई चांस आप गलत अकाउंट नंबर डाल दो, उस अकाउंट नंबर से कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आपको टेंशन की बात नहीं मिलेगी, आपको कुछ 10 से 15 दिन में आपका पैसा वापस आएगा। और अगर आपने अकाउंट अपडेट कर दिया तो आपके न्यू वाले अकाउंट में चला जाएगा। सो मैं सीधा ना पे आपको पेटीएम ओपन करके दिखाता हूँ। सो ना पे शायद आपको ना भाई ब्लैक स्क्रीन जो कि है 100 की ना पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए पेटीएम में अंदर सिस्टम है, इधर ना पता होगा। बाकी जब मैं ट्रांजेक्शन के यहाँ पे मतलब कि उस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया आपको ना पे जो कि स्क्रीन जो कि ना पे शो हो रही होगी। सो देख सकते ना पे मुझे मनी जो कि रिसीव हो चुका है, ना पे साफ साफ लिखा हुआ है पेपल पेमेंट की तरफ से मैं ना पे मुझे ये मनी जो कि ना पे रिसीव हो चुके हैं मेरे अकाउंट नंबर में। सो देख सकते मतलब कि ना पे 100% वर्किंग है, मतलब कि आप ना पे पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी जो कि रिसीव कर सकते हो। अगर आपने पेटीएम की फुल KYC करे तो इसलिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक आपका ओपन हो जाएगा। बाकी नहीं करी हुई तो KYC जो कि करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे KYC करवाई है। और आपके पास कोई और अकाउंट नंबर है, मतलब कि कोई और अकाउंट है, तो उसे भी डाल सकते हो। बाकी अगर आपके पास पेटीएम बैंक है तो उसे भी डाल सकते हो। सो बस फिर आज की वीडियो में नहीं बनाना, मिलता है अगली वीडियो में।